होना जरूरी है और इसलिए जरूरी है। बताइए जब कोई प्रधानमंत्री झूठ बोलता हो, कोई मंत्री जब झूठ बोलते हैं, बड़े राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी, उनकी पार्टी अलग है, हैं? उन वो उनका काम वो करेंगे, अपना अलग और हम करेंगे अलग। हम अपनी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी को मजबूत करेंगे। हमने कहा कि भाई अलायंस कर लो, हैं? तब मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए हम कोई भी त्याग, त्याग का मतलब ये थोड़े है कि मतलब हम अपने लोगों को, हमारे जो पीछे हैं तो उनको टिकट जरूर मिलना चाहिए जो जीतने वाले हैं। बस इतनी हमारे साथ है। अब ये नहीं बताएंगे आपको, ये आपको नहीं बताएंगे, ये तो हमारी रणनीति का जब होगी बातचीत तो उनसे होगी, आपसे थोड़े हमारी बातचीत होगी, तब तय होता है, जो तरीका तय है होने का वो होगा। देखिए ओम प्रकाश राजभर से, देखिए बात शिष्टाचार बहते हुई हैं, शिष्टाचार बहती हुई हैं, हमारा ये गठबंधन या उस पर कोई बात नहीं हुई, नहीं बात हुई थी। और वो तो आप सभी लोग जानते हैं वो स्थिर तो है नहीं, मैंने एक बार कहा था स्थिर होना चाहिए आदमी, स्थिर तो है नहीं राजनीति में और कहीं पर, स्थिर तो होना चाहिए आदमी को। तो लेकिन समाजवादी पार्टी के साथ उनका गठबंधन तो हो चुका है और मुख्तार अंसारी को लेकर के काफ़ी देखा जा रहा है कि ओम प्रकाश राजभर सक्रिय है और लगातार जेलों में। अब उस पर हम क्या कहें, सक्रिय हैं तो आप देखना, आपके जिले में के हैं तो देखना उन्हें। समाजवादी पार्टी का हिस्सा बन चुके हैं इस समय अगर देखा जाए तो। अच्छा उससे हमें क्या मतलब है, हमारी पार्टी की बात हम जानते हैं, उनकी पार्टी का हम क्या जानते हैं, राजभर की पार्टी को मैं क्या कर सकते हैं, उनके विचार और वो तो आप लोग परखिए उनके। जिस तरह से अभी शराब के मामले पे विधायक बीजेपी के योगी जी पे हमला बोले हैं, क्या आपको लगता है कि शराबबंदी होनी चाहिए यूपी में भी? देखिए हम हमेशा इसके विरोध में रहे, इससे देखिए गरीब लोगों की बर्बादी होती है, शराबबंदी है, नशाबंदी तो होना चाहिए, ये सब चीज़ें बंद होना चाहिए। अगर आपकी गठबंधन की सरकार आती है तो क्या यूपी में शराब की बंदी करेंगे सर? देखिए हम पहले सरकार बनाना चाहते हैं, बिल्कुल शराब बंदी होना चाहिए। के साथ आएंगे? जो गरीब आदमी है, मुद्दा क्या होगा? गरीब आदमी है बेचारा, शराब पी के पूरा बर्बाद, परिवार बर्बाद हो जाते हैं, है? शिक्षा पर भी असर पड़ता है, बहुत सी बातों पर असर पड़ता है। सरकार तो बनवा दो, हमारी सब लोगों से अपील है, जनता से अपील है, हम बहुत जनता के हित में ही काम करेंगे और हमारे काम देखे भी हैं आप। अगर बनती है तो क्या शराब बंदी? सबसे पहले हम करेंगे, देखिए सबसे पहले बेरोजगारी के साथ साथ बिजली, सस्ती बिजली, 24 घंटे बिजली और 300 यूनिट बिजली फ्री, सबसे पहले हमारा ये है। और दूसरा हमारा है जो बेरोजगार हैं बच्चे, हर परिवार में एक बेटे को और बेटी को सरकारी नौकरी अवश्य मिलना चाहिए, ऐसा कानून होना चाहिए। अरे सरकार बनाओ, सब बना लेंगे, आप लोगों से भी राय ले लेंगे।